हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है और आज का टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की स्टडी करेंगे। और बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें हमें सीरीज पैरेलल समझ में ही नहीं आता कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो मैंने आपको ये पहले भी बोला था जब हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वो जो लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर में 1, 2, 3 जो भी होंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कम्बाइंडली कैपेसिटर और रजिस्टर के लिए, दोनों के लिए। मतलब जो रूल्स रजिस्टर के लिए हैं वही रूल्स हमारे कैपेसिटर्स के लिए हैं। तो हम अलग अलग क्यों पढ़ेंगे? कैपेसिटर्स के लिए अलग लेक्चर बनाएं, रजिस्टर के लिए अलग लेक्चर बनाएं, तो हम दोनों को कम्बाइंडली पढ़ेंगे। और वो जो कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं, जो बड़े बड़े सर्किट्स होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते कि भाई कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो उनको हम अलग से 2, 3 जो भी लेक्चर मांगेंगे वो उनको हम अलग से करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज और पैरेलल की और कुछ बेसिक सर्किट। बेसिक सर्किट से मतलब ये नहीं है बच्चों कि मतलब सर्किट बहुत सिंपल है, हो सकता है सर्किट काफ़ी बड़ा हो, लेकिन बेसिक से मतलब है कि सर्किट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये सीरीज में है और ये आपके पैरेलल में है। और आज बच्चों, आज हम एक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो बेसिक जो मेथड है हमारी, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, आज उस मेथड को पढ़ेंगे। और उस मेथड से हम किसी भी सिंपल सर्किट को, किसी भी बेसिक सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं ये करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R1, R2, R3 ये बच्चों आपके 3 सर्किट रजिस्टर हैं, ठीक है, ये 3 आपके रजिस्टेंसेज हैं। और इनको हमने एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज है कितना, V है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी बात होगी, जब आप सर्किट कनेक्ट करते हैं ना, मतलब जब सर्किट आप देखते हैं और काफ़ी बड़ा सर्किट है, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि भाई किसको हम सीरीज में बताएं और किसको हम पैरेलल में बताएं, तो सबसे पहली बात यह है कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच, मान लो एक पॉइंट है आपका ये ए और एक पॉइंट है आपका ये बी, ठीक है, जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, मींस जैसे वो कहेगा कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट मींस आपको उन 2 पॉइंट से बैटरी कनेक्ट करनी है। रिमेंबर एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, बैटरी आपको उनसे कनेक्ट करनी है। तो मैंने ए और बी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी। उसके बाद बच्चों, आपको बैटरी का काम है सर्किट को करंट प्रोवाइड करना, तो मैंने यहां से करंट निकाली आई। अब इस आई करंट को आपको सर्किट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां से आई गई, इसमें आई जाएगी, फिर इसमें आई गई, इसमें आई जाएगी, इसमें आई जाएगी और वापस आई आ गई, ठीक है। इट मींस सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इसकी पहचान ये है कि अगर 2 or more than 2 रेजिस्टेंसेज में करंट सेम है, करंट सेम नॉट इक्वल, समझ रहे हैं, इसको भी, इस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा मैं, करंट सेम होनी चाहिए, है ना, इक्वल वाला, सेम में और इक्वल में बहुत बारीक डिफरेंस होता है बच्चों, है ना, अभी उसे भी क्लियर करेंगे। मतलब सेम से मतलब ये है कि जो करंट R1 में फ्लो कर रही थी एज इट एज, वही करंट किस में गई है, R2 में, और वही करंट एज इट एज किस में गई है बच्चों, R3 में, ठीक है। तो यहां पर आपका ये की पॉइंट बन गया कि सीरीज में सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है, ये की पॉइंट हो गया बच्चों, ये हमारा की पॉइंट है। आप इसको अपने माइंड में सेट कर लें कि अगर 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है तो उनमें करंट सेम होगी। उसके बाद ओम्स लॉ कहता है कि V=IR होता है, भाई रजिस्टर में जब करंट फ्लो करेगी तो वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही फ्लो करेगी, है ना, तो V=IR, क्योंकि आई बच्चों सेम है हर एक में, R1, R2, R3 तीनों में सेम है, इसका मतलब आई तो कॉन्स्टेंट हो गई, आई कॉन्स्टेंट होगी तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R,
वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इट मीन्स क्योंकि आर तीनों के अलग अलग हैं, आर वन आर टू आर थ्री, तो जब यहाँ आर वन रखेंगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी वन आएगा, वी वन आ गया। जब यहाँ आर टू रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस वी टू आएगा, ठीक है। जब यहाँ आर थ्री रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस वी थ्री आएगा। कहने का मतलब दूसरा की पॉइंट ये आ गया बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंस, है ना, इज डिफरेंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, तो R1, R2, R3, R4 जो भी लगे होते, तीन चार पाँच छः सात जो भी होते सीरीज में, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते बच्चों, डिफरेंट होते, अलग अलग होते, ठीक है। दूसरा की पॉइंट आपका ये हो गया। अब उसके बाद बच्चों इक्विवेलेंट से मतलब मैंने आपको कैपेसिटर जब हमने पढ़े थे वहाँ पर भी बताया था, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि भाई एक बैटरी थी वी वोल्ट की और हमें एक रेजिस्टेंस लगाना था जो वी वोल्ट को पूरा ले सके, तो इन तीनों में से R1, R2, R3 में से कोई भी एक रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है जो पूरे वी वोल्ट को अपने ऊपर ले ले, तो हमें एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए, हमें एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जो वो अकेला उस पूरे वोल्टेज को ले ले। तो कहने का मतलब ये है अगर मैं इन तीनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस रख दूं, ये RS, ये RS एक रेजिस्टेंस रख दूं बच्चों जो कि पूरे वोल्टेज को अकेला झेल ले, तो हम क्या कहेंगे कि ये अकेला इन तीनों के इक्विवेलेंट है। RS मतलब एस फॉर सीरीज, ठीक है। तो ये RS इन तीनों के इक्विवेलेंट है और करंट इसमें आई हो गई और ये पूरे वोल्टेज को अपने ऊपर ले रहा है, और यहाँ क्या था, ये तीनों उस वोल्टेज V को V1, V2, V3 को V को V1, V2, V3 में डिवाइड कर रहे थे कि भाई V1 तू ले ले, V2 तू ले ले, V3 तू ले ले, इस तरह से डिवाइड कर रहे थे, है ना। तो कहने का मतलब ये V1, V2, V3, ये V1, V2, V3, ये तीनों वोल्टेज का जो सम होगा V1, V2, V3 का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया था, है ना। तो B इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब बच्चों ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू, ये जो V है ये क्या होना चाहिए भाई, करंट है I, रेजिस्टेंस है RS, तो V इज इक्वल टू IR से V इज इक्वल टू IRS, ठीक है। B, B1, B2, B3, B1 कितना होना चाहिए बच्चों, ये B1 होना चाहिए I into R1 ना, B2 कितना होना चाहिए I into R2, B3 कितना होना चाहिए I into R3, ठीक है। अब ये B, B1, B2, B3 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, तो B की जगह हमने पुट किया IRS, B1 की जगह IR1, IR2, IR3, I से I कैंसल आउट हो जाएगा, तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आया बच्चों वो आया RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, चार होते तो प्लस R4, पांच होते तो प्लस R5, n होते तो प्लस डॉट 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 RN, ठीक है। मतलब सीधे सीधे आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर देना है, ठीक है। अब बच्चों आप देख रहे होंगे आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा, तो कैपेसिटर के केस में जो केस पैरेलल का होता है, रेजिस्टेंस के केस में वो सीरीज का केस होता है, ठीक है भाई। वहाँ होता था पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ सीरीज में है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, R1 प्लस R2 प्लस R3, मान लो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये आपका 3 ओम है, ठीक है। तो पूछा कि भाई इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 6, और जो 6 है इन इंडिविजुअल में सबसे ज़्यादा कौन सा है, 3, तो जो इंडिविजुअल में सबसे ज़्यादा है इक्विवेलेंट उससे भी ज़्यादा है, तो यहाँ से एक पॉइंट निकला हमारा कि टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन दी सीरीज सर्किट इज मोर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। मतलब सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों, इंडिविजुअल में जो सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा निकल के आएगा, वो ये कहना चाह रहा है, है ना। तो उसके बाद अब बच्चों सेम वाला और इक्वल वाला जो मैं आपसे बोल रहा था कंफ्यूजन, वो समझिएगा सेम में और इक्वल में क्या अंतर है। देखिए बच्चों जैसे ये एक सर्किट है ना, ये करंट आ रही है इसमें 6 एम्पियर, है ना, ये 4 ओम, R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R3 2 ओम, R4 3 ओम, R5 6 ओम, ये रेजिस्टेंस सीरीज में सॉरी सर्किट में लगे हुए हैं। अब 6 ओम में से मान लो 6 एम्पियर में से
इसमें चली गई 2 एम्पियर करंट और इस वाली ब्रांच में चली गई 4 एम्पियर करंट। कैसे गई क्या है उससे मैटर नहीं है, वो बाद की बात है। फिलहाल मेरे को जो सेम और इक्वल का मतलब है वो क्लियर करना है, ठीक है ना। अब सपोज R3 में ये जो R3 है इसमें गई करंट 3 एम्पियर, R4 में 2 एम्पियर और R5 में 1 एम्पियर। अब बच्चों अगर आप सेम का और इक्वल का कन्फ्यूजन दूर नहीं करेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि भाई R1 में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और R4 में भी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इट मीन्स R1 और R4 सीरीज में होंगे। नहीं, ये इक्वल हैं, मतलब इक्वल से मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है कि भाई जितनी करंट इसमें है उतनी ही करंट इसमें है, बट दे आर नॉट सेम। सेम करंट नहीं है, सेम करंट से मतलब कि जो करंट इसमें फ्लो हो रही थी एज इट एज वही करंट इसमें गई है और वही करंट इसमें गई है। देखना जरा, है ना भाई, इसमें 2 एम्पियर है तो ये वाली जो 2 एम्पियर और फिर ये 4 एम्पियर, ये 2 एम्पियर आई 4 एम्पियर, जो वो टोटल मिलके 6 एम्पियर हुई, फिर 6 में से 3 इसमें चली गई, 2 इसमें चली गई, 1 इसमें चली गई, तो 3 और 2 5 और 1 6, टोटल 6 हो गई। तो मतलब 6 एम्पियर डिवाइड होके गई है इसमें, मतलब ये वाली 2 एम्पियर एज इट एज इसमें नहीं आई है। तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट दे आर नॉट सेम। सेम का मतलब है कि एज इट एज यही 2 एम्पियर अगर इसमें आती तो फिर ये दोनों केस में होते सीरीज में। आई होप कि आप समझ गए होंगे सेम और इक्वल का मतलब। तो सीरीज का मतलब है सेम करंट फ्लो होनी चाहिए। तो कभी इस तरह से भ्रम में आ जाएं आप कि भाई इसमें भी एक 2 एम्पियर है, इसमें भी 2 एम्पियर, दोनों में करंट इक्वल है तो फिर तो ये सीरीज में होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, ठीक है। उसके बाद बच्चों डिसएडवांटेज, सीरीज कॉम्बिनेशन की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है। क्या डिसएडवांटेज होती है इसमें कि अगर सपोज कीजिए ये बल्ब हैं, ये बल्ब हैं 3 और ये वाला बल्ब हो गया फ्यूज, बल्ब में फिलामेंट होता है, फ्यूज होने का मतलब वो फिलामेंट टूट गया, फिलामेंट टूट गया मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया मतलब अब उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। तो मान लो अगर ये आपका ब्रेक हो जाए यहां से ऐसे, तो अब इसमें ये करंट फ्लो करेगी नहीं करेगी, जब इसमें ये करंट जाएगी नहीं तो इसमें भी नहीं जाएगी, इसमें भी नहीं जाएगी। मतलब अगर ये भी बल्ब है, ये भी बल्ब है, ये भी बल्ब है, 3 बल्ब अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी भी अपना काम करना बंद कर देंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है। क्या कि इफ वन डिवाइस और रजिस्टर, इफ वन डिवाइस फेल्स द करंट इन द होल सर्किट सीरीज, पूरा सर्किट ही क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, मतलब पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें सीरीज में, क्योंकि हमने अभी देखा था कि पोटेंशियल्स, पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस अलग अलग हैं, V1 V2 V3, तो कभी कभी एक ट्रिक हमें बहुत काम आएगी कि 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं और वो आपसे कह रहा है कि भाई बताओ V1 V2 V3 क्या है, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज। तो बच्चों हम जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होती है, है ना। तो ये 3 रजिस्टर है R, 4R एंड 8R, R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, 4R के अक्रॉस V2 और 8R के अक्रॉस V3, ठीक है। अब क्योंकि I हमारी कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, आई कांस्टेंट होगी तो इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो V1 V2 V3 का जो रेशियो होगा, V1 V2 V3 का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, R, 4R और 8R, ठीक है, मींस 1:4:8। अब हमें V1 निकालना है बच्चों, ये समझना बस, अब हमें V1 निकालना है। तो V1 का मतलब यहां से B1 के अक्रॉस जो रेशियो में नंबर है वो लीजिए 1 अपॉन तीनों नंबर का टोटल, 8+4+1, 1+4+8 और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, तो ये हो गया आपका B/13। अब हमें निकालना है B2, तो B2 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर लेंगे ये वाला, ठीक है, 4 अपॉन टोटल 1+4+8 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 4B/13। अब हमें B3 निकालना है, तो B3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये नंबर लिया, ठीक है, तो 8 अपॉन टोटल रेशियो का, तो 8+4+1 तो ये हो गया आपका 13, तो 8B/13। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ।
तो बच्चों अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल ये आपके R1, R2, R3 ये तीन रजिस्टर्स हैं, ठीक है, और ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिए, 20 वोल्ट की बैटरी से। तो कॉन्सेप्ट को समझते, सीरीज और पैरेलल समझना है बच्चों, क्योंकि सीरीज और पैरेलल की कॉन्सेप्ट अगर बैठ गई दिमाग में तो फिर यूँ समझिए सर्किट कैसा भी हो आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ से बैटरी का काम मैंने आपको क्या बताया, बैटरी का काम है करंट देना, तो वो बैटरी करंट दे रही है सर्किट को आई। अब यहाँ से आई 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 आई, और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वायर इधर जा रहा है, एक वायर इधर जा रहा है, एक वायर इधर जा रहा है, कहने का मतलब करंट कन्फ्यूज हो गई, करंट कन्फ्यूज हो गई कि भाई मैं किधर जाऊं, है ना। तो जब करंट कन्फ्यूज होती है तो वो क्या करेगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि करंट डिवाइड हो गई, ठीक है। तो आई में से आई वन चली गई आर वन में, आई टू चली गई आपकी आर टू में, और आई थ्री चली गई साहब आपकी आर थ्री में, ठीक है। फिर यहाँ से ये आई वन आएगी बच्चों, घूम के पूरे में आई वन यहाँ पर आ गई, फिर ये आई टू गई इधर से, और आई थ्री गई आपकी इधर से, आई वन आई टू आई थ्री यहाँ इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, और तीनों मिल के वापस क्या बन जाएंगे, आई, टोटल करंट, ठीक है। अब साहब इतना ध्यान रखिएगा कि कभी आपको अगर कन्फ्यूज हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपने सेल से या बैटरी से जितनी करंट निकाली है वापस सेल में उतनी ही करंट आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ कम या ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में हमसे गलती हो गई है, ठीक है। तो अब बच्चों इस रजिस्टर का ये वाला एंड इस पॉइंट से कनेक्ट है, मान लो मैं ए नाम दे देता हूँ इसको, और इसको बी नाम दे देता हूँ। तो R1 का ये एंड ए से कनेक्ट है, और इसका पोटेंशियल है सपोज बी ए, और इसका पोटेंशियल है बी बी, तो इसका पोटेंशियल बी ए, और इस एंड का पोटेंशियल बी बी। सिमिलरली R2 का ये एंड ए से कनेक्ट है, तो इसका भी बी ए, और ये दूसरा एंड बी से कनेक्ट है, तो ये बी बी। R3 का ये एंड ए से कनेक्ट है, तो ये आपका बी ए, और ये आपका साहब बी बी, सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो बी ए माइनस बी बी, आर टू के अक्रॉस बी ए माइनस बी बी, है ना, आर थ्री के अक्रॉस भी बी ए माइनस बी बी। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टेंस इज सेम, पी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, दिस इज द की पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कि जितने भी रजिस्टेंस 2, 4, 6, 8 जो भी जुड़े हुए हैं पैरेलल में, उन सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्या सेम होगा, ठीक है। एंड करंट इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर, करंट इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टेंस, तो आई वन आई टू आई थ्री, समझ रहे हैं, ठीक है। अब साहब उसके बाद बच्चों फ्रॉम ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर होता है, क्योंकि बी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इट मींस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि आर तीनों के अलग अलग हैं, आर वन आर टू आर थ्री, इट मींस करंट तीनों ब्रांचेज में अलग अलग जाएगी, ठीक है। तो आई वन इज इक्वल टू ओम्स लॉ से बी अपॉन, ये जो आई वन है ये क्या हो जाएगी, बी अपॉन आर वन, आई टू क्या हो जाएगी, बी अपॉन आर टू, आई थ्री क्या हो जाएगी, बी अपॉन R3। उसके बाद बच्चों इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि भाई ये तीनों रेजिस्टेंस पूरी मतलब इन तीनों में कोई भी एक रेजिस्टेंस R1 R2 R3 में से कोई भी रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है जो इस पूरी करंट को अकेला ले ले, तो इसलिए हमने तीन लगाए। अब बात आती है कि कोई एक रेजिस्टेंस जो एक अकेला इस पूरी करंट को ले ले, तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो तो इन तीनों के इक्विवेलेंट है, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, वो अकेला कर रहा है, तो इक्विवेलेंट हो गया, है ना। तो हमने ये रेजिस्टेंस रखा एक, जिसका रेजिस्टेंस है हमारा आर पी, पी फॉर पैरेलल, ठीक है, और वो पूरी करंट को ले रहा है, जो ये तीनों मिल के ले रहे हैं वो उस पूरी करंट को अकेला ले रहा है। तो आई इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा बच्चों, बी अपॉन आर पी, ठीक है। अब साहब आई I1, I2, I3 में तो डिवाइड हुई है, है ना, इट मीन्स I इज इक्वल टू होगी I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर। तो हमने I, I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है, भाई I की वैल्यू है हमारी B अपॉन RP, I1, I2, I3 की ये वैल्यूज हैं, इन सब वैल्यूज को इस इक्वेशन में वन में
पुट कर देंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो आई की जगह रख दिया हमने बी अपॉन आर पी, आई वन की जगह बी अपॉन आर वन, आई टू की जगह बी अपॉन आर टू और आई थ्री की जगह बी अपॉन आर थ्री, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का आपका फॉर्मूला है, ये आपने टेंथ में ही पढ़े हैं, अभी बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो फॉर्मूला है हमारा, अब यहां से एक बात देखते हैं, सपोज करो ये जो आर वन है हमारा ये है सपोज टू ओम, ठीक है, आर थ्री है हमारा इसको वन ओम मान लेते हैं, आर टू है हमारा टू ओम और आर थ्री है हमारा थ्री ओम, ठीक है। अब हमने इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तीनों का टोटल निकालना है कि ये तीनों मिलके कितने ओम के रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से वन अपॉन आर पी, वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री। तो एलसीएम ले लिया सिक्स, तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री प्लस टू, तो ये हो जाएगा आपका इलेवन अपॉन सिक्स, तो आर पी हो जाएगा आपका सिक्स अपॉन इलेवन विच इज लेस देन वन, नहीं विच इज लेस देन वन। तो इट मीन्स इंडिविजुअल में सबसे कम कौन सा था, देखो वन टू थ्री तीन थे इंडिविजुअल और इनमें सबसे कम कौन सा था, वन। और अगर उन तीनों को तुमने आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो जो इक्विवेलेंट आ रहा है, जो सबसे कम है इंडिविजुअल में उससे भी कम आ रहा है, लेस देन वन, समझ रहे हैं आप। सीरीज में क्या था कि जो सबसे ज्यादा होता था इंडिविजुअल में उससे भी ज्यादा आता है ना। तो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट ऑफ रेजिस्टेंसेज, आर यू गेटिंग ऑर नॉट, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट ऑफ रेजिस्टेंस, जो सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा होगा। और इस कॉम्बिनेशन की बच्चों एक एडवांटेज होती है कि इनमें से अगर कोई भी डिवाइस फ्यूज हो जाए, खराब हो जाए, मान लो ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ऐसे मानो कि ये हमने की है और इस की को हमने ऑफ कर दिया, ठीक है, ओपन कर दिया, तो अब इस ब्रांच में तो करंट जाएगी नहीं, लेकिन इन वाली ब्रांच में करंट फ्लो होती रहेगी एज इट एज। तो कहने का मतलब अगर ये वाली डिवाइस खराब भी हो जाती है या इसको हम ऑफ कर देते हैं तो बाकी डिवाइसेज, बाकी रजिस्टर्स की फंक्शनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आता, जैसे सीरीज में आता था। सीरीज में क्या था, एक खराब हो गई तो बाकी सब बंद हो गई, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, एनी डिवाइस कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, तो ये इसकी एडवांटेज होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये एज ए ट्रिक आप यूज करेंगे इसे सर्किट्स में, ठीक है, जब ऐसी बात आएगी कि बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं और आपसे कहेगा कि भाई आर वन आर टू आर थ्री में करंट बताइए क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सपोज आर फोर आर एट आर जो अभी हमने सीरीज में लिए थे, अब वही रेजिस्टेंस हमने किस में कनेक्ट कर दिए पैरेलल में। तो ये टोटल करंट है आपकी आई, ठीक है, आई में से आई वन आपकी आर में चली गई, आई टू फोर आर में और आई थ्री आपकी एट आर में, ठीक है। तो हमें आई वन आई टू आई थ्री पता करनी है, ठीक। तो पैरेलल में बच्चों हम जानते हैं वी कॉन्स्टेंट होता है, तो I ओम्स लॉ से I इक्वल टू बी अपॉन आर, बी कॉन्स्टेंट है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3, तो I1 क्या है वन अपॉन आर वन, तो वन अपॉन आर, I2 क्या हो जाएगी वन अपॉन फोर आर, ठीक है, और I3 वन अपॉन एट आर, ठीक है। तो इसमें एट आर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एट रेशियो टू रेशियो वन, ठीक है। अभी समझ गया, जैसे हमने करंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन किया था वही चीज़ है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक समझ में आ गया तो समझो दूसरा समझ में आ गया। अब हमको I1, I2, I3 पता करनी है बच्चों। तो I1 जब पता करेंगे तो कैसे करेंगे, I1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है 8 अपॉन टोटल रेशियो का, तो 8 प्लस 2 प्लस 1 और इनटू टोटल करंट I, तो 8 अपॉन 11 I, ठीक है। I2 जब निकालेंगे तो I2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है, ठीक है, मीन्स 2, तो 2 अपॉन रेशियो का टोटल, तो 8 प्लस 2 प्लस 1 इंटू टोटल करंट I, तो 2 अपॉन 11 I, ठीक है, 2 अपॉन 11 I, ठीक है। अब I3, तो I3 जब निकालेंगे तो I3 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर मतलब 1, तो 1 अपॉन रेशियो का टोटल 8 प्लस 2 प्लस 1 और इंटू टोटल करंट I, तो 1 अपॉन 11 I,
ठीक है। तो ये आप इसको समझ गए होंगे और ये बहुत ही बहुत काम की चीज़ है हमारे, ठीक है। जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो ये बहुत हमारी हेल्प करेगा। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बच्चों करेंगे सर्किट्स के हाउ टू सॉल्व सर्किट और मेथड जो है हमारी, जिस मेथड से हम इन सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो बच्चों अब आते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। बहुत अच्छी और बहुत सिंपल मेथड है बच्चों। तो इस मेथड में क्या है, सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंसेज इन सीरीज और इन पैरेलल। मींस आप इस मेथड को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको सर्किट में ये समझ में आ रहा हो कि भाई ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। उसके बाद इन दिस मेथड, अब इसका सक्सेसिव रिडक्शन का मतलब क्या है, तो बच्चों इसमें क्या है, सक्सेसिव का मतलब लगातार, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करते जाना, है ना। मतलब इन दिस मेथड वी सिंप्लीफाई, मतलब हमको एक अच्छा खासा सर्किट दिया हुआ होगा, सिंपल का मतलब ये नहीं है सर्किट छोटा होगा, सिंपल सर्किट का मतलब होता है बच्चों कि सिंपली उस वो सर्किट ऐसा होगा कि वो भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। तो इन दिस मेथड वी सिंप्लीफाई द सर्किट, मतलब जो बड़ा सर्किट है उसको छोटा करते हुए जाना है बाय सक्सेसिव रिडक्शन, रिडक्शन मतलब छोटा करना, ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब आपको ये सर्किट दिया हुआ है, आपने पहचाना कि अरे ये तो दोनों सीरीज में होंगे, तो उन दोनों का सीरीज पता चल गया, तो उन दोनों की जगह एक रख दो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कि अरे फिर ये तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो फिर उन दोनों की जगह एक रख देंगे इक्विवेलेंट। मतलब इस तरह से हमें सर्किट को रिड्यूस करते हुए जाना है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये आपका सर्किट है आपका, ठीक है, R1, R2, R3, R4, इसमें ये चार रेजिस्टेंसेज हैं बच्चों, और ये आपका एक सेल है जिसका EMF आपको गिवन है 60 वोल्ट, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अभी मैंने आपको बोला था कि वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिन दो पॉइंट के बीच आपसे इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच आपसे इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है उनसे। अगर बैटरी कनेक्ट है, जैसे यहाँ पर कनेक्ट है, तो कोई बात ही नहीं है, बाकी अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है तो आपको उन्हीं दो पॉइंट से बैटरी कनेक्ट करनी है जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो R1, R2, R3, R4 ये रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यूज गिवन है 18 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, और उसके बाद जो आपका R1 रेजिस्टेंस है बच्चों, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, सर्किट हमें गिवन है, तो बैटरी का काम होता है बच्चों करंट देना, तो I, ठीक है, तो इसमें I जाएगी साहब। उसके बाद अब यहां पर ये जो पॉइंट है, एक वायर इधर जा रहा है, एक वायर इधर जा रहा है, करंट कंफ्यूज हो जाएगी, करंट कंफ्यूज होगी तो मान लेते हैं कि इधर गई साहब करंट I1 और इधर करंट गई I2, ठीक है। तो इसमें I1, तो अब यहां पर भी कितनी आएगी बच्चों, I1 ही आएगी, ठीक है, ये I1, ठीक है, ये I2, और I1 I2 यहां इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये वापस क्या हो जाएगा I, और मैंने आपको ये बात बताई थी कि सेल से जितनी करंट निकल रही है वापस उतनी ही आनी चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है इट मींस आपका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है। अब बच्चों लॉजिक लगाइए, अभी सीरीज पैरेलल वाले जो लॉजिक, सीरीज कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट हैं कि उनमें करंट सेम जा रही है, तो ध्यान से देखिएगा R3 में और R4 में वही करंट जा रही है जो R3 में है, मतलब I1 सेम करंट फ्लो हो रही है। इट मींस ये जो आपका R3 और ये आपका R4 दोनों किस में कनेक्ट हैं बच्चों, सीरीज में कनेक्ट हैं। ये किस में कनेक्ट हो गए बच्चों, सीरीज में। तो इन दोनों की जगह पर अब इनका इक्विवेलेंट रखना है हमें, तो सीरीज में इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 5 तो मतलब 15 ओम। तो इन दोनों को हटा दिया और उन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस रख दिया हमने 15 ओम का, मतलब सर्किट अब पहले से छोटा हो गया, रिडक्शन, ठीक है। अब साहब उसके बाद बच्चों अब आते हैं यहां पर, अब ध्यान से देखिएगा
इस वाले रेजिस्टेंस का और इस वाले रेजिस्टेंस के दोनों ये पॉइंट एक ही पॉइंट से कनेक्ट हैं। मान लो इसका पोटेंशियल है V1 और ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट से कनेक्ट हैं V2 से। भाई ये वायर ही तो हैं तो एक ही जगह तो कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से ये वायर लिया इसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ये वायर लिया यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो दोनों एक ही कॉमन पॉइंट्स पर कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब V1 - V2 पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस भी V1 - V2 और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ से करंट आ रही थी बच्चों ये I, अब ये करंट है I1 और ये करंट है आपकी I2। तो अभी अभी हमने पैरेलल में क्या निकाला था कि करंट डिफरेंट होती हैं और उन करंट्स का सम टोटल करंट के इक्वल होना चाहिए। तो अगर I1 + I2 करोगे तो I तो आएगा, तो कहने का मतलब 15 ओम और ये जो R2 मतलब जो 10 ओम है ये आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पैरेलल का मतलब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो अब पैरेलल का इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2, तो 1/10 + 1/15 करोगे तो आप डाट दो के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं इक्विवेलेंट के लिए कि R1 × R2 और अपॉन में R1 + R2। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए। तो R1 × R2 मतलब 15 × 10 और अपॉन में आपका 15 + 10, तो ये हो जाएगा आपका 150/25, तो 6 ओम। ठीक है ना, दो के लिए आप इसको याद रखिएगा, जल्दी मतलब कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। तो इन दोनों की जगह पर मैंने एक रख दिया 6 ओम। अब इन दोनों की जगह पर और छोटा हो गया सब सर्किट, देख रहे हो छोटा और हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें करंट थी आई, तो ये अब आई की आई जाएगी ना पूरी, तो कहने का मतलब ये वाला 6 ओम और ये वाला 18 ओम दोनों में करंट सेम है, तो ये किस्म हो गई सीरीज में। तो इन दोनों की जगह सीरीज कॉम्बिनेशन रख दिया, तो 18 + 6 = 24, तो इन दोनों की जगह एक रख दिया, तो जो एक आया फाइनली, मतलब आपको इस तरह से रिड्यूस करते जाना कब तक, जब तक आपको एक रेजिस्टेंस ना मिल जाए। जो एक रेजिस्टेंस आया बच्चों वही आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका 24 ओम्स। ठीक है, अब साहब इसमें आपको अब पीछे की तरफ चलना है, उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो इसमें करंट कितनी होगी, I = B/R, तो B कितना 60, R कितना है 24, तो ये आ जाएगी आपकी 5/2 एम्पियर। अब बच्चों ये है, ये बॉक्स मैंने बॉक्स जरूर लगाए, जैसे मैंने ये बॉक्स लगाए हैं उससे आपको ये पता चल जाएगा ये किसका कॉम्बिनेशन और कैसा कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या है इक्विवेलेंट, किसका, इसका और इसका, कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, और सीरीज में बच्चों करंट सेम होती है। तो इसमें करंट कितनी आई है 5/2 एम्पियर, तो इसका मतलब इसमें भी 5/2 एम्पियर करंट होगी और इसमें भी 5/2 एम्पियर करंट होगी। ठीक है, अब बच्चों 18 ओम के अक्रॉस ही तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है R1। ठीक है, तो इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों B = IR, तो 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा B1 = करंट उसमें और इनटू उसका रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी आई है उसमें 5/2, रेजिस्टेंस कितना है 18, तो 45 वोल्ट रेजिस्टेंस आ गया। तो ये थी बच्चों हमारी मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये साहब एग्जांपल 2 है आपका मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन का। ठीक है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 1 1 1 1, वो 1 और नीचे 2 2 2 2 2 2 2, ये इस तरह से, और ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B, जिनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखने में बड़ा लग रहा है सर्किट, है ना, लेकिन हम इसमें फिर भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन सीरीज में कौन पैरेलल में कैसे। देखो बच्चों कभी कभी कई बार क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम ना कोई सर्किट जैसे बड़ा है उसको पीछे से देखो, बैक से, है ना, मतलब जैसे ये सर्किट है तो इससे इधर से देखो पीछे से, तो आप देखो यहाँ से देखते हैं हम, तो ये जो जंक्शन है मतलब जहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पर, मान लो ये पूरी ये दोनों करंट मिलके आएंगी यहाँ पर, ये है ना, तो उसके बाद यहाँ से करंट कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। अब जो करंट मान लो ये I1 है, तो I1 में जा रही है इसमें, और वही I1 आपकी किस में जाएगी, इस 1 में, तो कहने का मतलब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ऐसे ही अगर इस ब्रांच में यहाँ I2 जा रही है तो ये पूरी की पूरी I2 इसमें जाएगी, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। अब सेम लॉजिक हर जगह रहेगा, यहाँ से कोई करंट जाएगी तो जितनी इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, यहाँ जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी, तो इट मीन्स
ऊपर के जितने भी वन वन हैं वो सब सीरीज में है, मतलब एक दूसरे, ये वन वन सीरीज में है, ये वन वन एक दूसरे की सीरीज में है, ये वन वन एक दूसरे की सीरीज में, ये वन वन ऐसे ही नीचे, ये टू और टू सीरीज में है, ये वाला टू और ये वाला टू सीरीज में है, ये वाला टू और ये वाला टू सीरीज में है, ये वाला टू और ये वाला टू सीरीज में है, तो ऊपर वाले सीरीज में। तो यहाँ पर देखिए ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, तो ए से चले ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट लें, तो इन दोनों के पॉइंट में ये वन और ये वन दोनों सीरीज में है, सीरीज का मतलब वन प्लस वन मतलब टू, तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया ये वन प्लस वन टू, ये हो गया टू, नीचे वाला टू प्लस टू फोर, तो ये कनेक्ट कर दिया साहब हमने ये, ठीक है टू प्लस टू फोर, अब यहाँ पर ये आपका टू, ठीक है ना, और ये आपका फोर, ठीक है ये टू ये फोर, फिर ये आपका टू और ये आपका फोर, ये आपका टू और ये आपका फोर, ठीक है टू और ये फोर हो गया रिड्यूस। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, अब दो पैरेलल में है तो दो पैरेलल के लिए हमारा रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, ऊपर प्रोडक्ट तो 2 इंटू फोर, नीचे सम तो 2 प्लस फोर, तो ये हो जाएगा आपका 8 बाई सिक्स, तो कहने का मतलब 4 बाई थ्री, तो ये हो जाएगा साहब आपका, अब इन दोनों की जगह पे एक रख देंगे 4 बाई थ्री, फिर इन दोनों की जगह पर एक रख देंगे 4 बाई थ्री, फिर इन दोनों की जगह पर एक रख देंगे 4 बाई थ्री, इन दोनों की जगह पर एक रख देंगे 4 बाई थ्री, तो ये आपका 4 बाई थ्री, ये 4 बाई थ्री, ये आपका 4 बाई थ्री, ये आपका 4 बाई थ्री, अब ये सब 4 बाई थ्री किस में बच्चों, सीरीज में, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आ गया आपका 4 बाई थ्री प्लस 4 बाई थ्री प्लस 4 बाई थ्री प्लस 4 बाई थ्री, कहने का मतलब 16 बाई थ्री ओम इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तो बच्चों ये एक और एग्जांपल है आपके सामने, और इसमें ये 3 ओम 3 ओम 6 3 6 3 6 3 3 ओम, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, तो मैंने आपको बोला था ना सिंपल सर्किट का मतलब ये नहीं है कि सर्किट छोटा ही होगा, सर्किट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जितना भी बड़ा हो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप आसानी से पहचान लेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये ए है और आपका ये आपका बी है, तो इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो सबसे पहले जिन दो पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस बताना है उन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए, कर लिया सर, ठीक है। अब यहाँ से बैटरी का काम होता है करंट देना बच्चों, तो आई, अब देखो करंट कन्फ्यूज होगी क्योंकि अब कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 5, ठीक है, तो मान लो ये आई वन, ये आई टू, ये आई थ्री, ये आई फोर और ये आपका आई फाइव, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस वाली ब्रांच में करंट जा रही है, इस वाले रेजिस्टेंस में आई वन, अब वही करंट जाएगी इसमें आई वन, तो इट मीन्स ये थ्री और ये थ्री तो सीरीज में हो गए, और सीरीज में मतलब इनकी जगह हम एक रह सकते हैं, आर वन प्लस आर टू मतलब 3 प्लस 3 6, तो इसको हटाओ दोनों को और इन दोनों की जगह पर एक रख देते हैं, ठीक है 6, तो ये हो गया साहब हमारा 6, ठीक है ये हो गया। अब साहब इसमें करंट कितनी है, ये वाला आई वन, ठीक है ना, अब जरा देखिए ध्यान से, ये वाला 6 ओम, ये कितना है 6, ठीक है, ये 6 और ये 6 दोनों इधर एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं और इधर भी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इसका मतलब ये दोनों हो गए सीरीज में, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 + 1/6 मतलब 2/6 मतलब 3, तो इन दोनों की जगह पर हम एक रख सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे रिड्यूस कर करके, जैसे मैं तो इनको मिटा देता हूँ, आपको इन दोनों को हटा के एक लगाना है कितना 3 ओम का, तो ये हो गया साहब हमारा 3 ओम, सही है ना। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम, देखो जो करंट इसमें जारी होगी वही करंट तो इसमें जारी होगी, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम हो गए फिर से किसमें 6, है ना, सीरीज में, तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को हटाओ और इन दोनों की जगह पर रख दो 1 6, तो ये हो गया साहब हमारा 6, फिर से वही पैटर्न चल रहा है बच्चों, ये 6 और ये 6 किसमें हो गए पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा 3 1/6 1/6, तो अब इन दोनों को हटाओ और इन दोनों की जगह पर एक रख देते हैं, ये आपका 3। अब ये 3 और ये 3
सीरीज में हो गए, ठीक है। तो ये 3+3 ये 6 हो गया, तो इन दोनों को हटाओ और इन दोनों की जगह रख दिया हमने 1 ये 6, ठीक है। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके किस में, 3 पैरेलल में हो गए ना, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया आपका ये 3, क्लियर। तो ये हो गया आपका 3। अब ये 3 और ये 3 किसमें हो गए, सीरीज में, तो इन दोनों की जगह हटाओ 1, रख दो 6, ठीक है। तो ये हो गया अब आपका 6, ठीक है, ये हो गया 6 ओम और एक आपका ये हो गया, ये 6 और ये 3 किसमें हो गए बच्चों, पैरेलल में, तो दो हैं अब, एक 3 और एक 6, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 6 × 3 और अपॉन 6+3, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओम इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एग्जांपल 4 है बच्चों आपका, ये आपका एक ट्रायंगल है, इसमें ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, और इसके अंदर एक ट्रायंगल है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर। क्वेश्चन है उसका, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। पी और क्यू के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो बस दो ही चीज़ें याद रखनी है, करंट और पॉइंट्स, ठीक है। देखिए जरा, ये वाला रेजिस्टेंस, इसका ये पॉइंट यहाँ बी से कनेक्ट है और ये पॉइंट आपका ए से कनेक्ट है। अब देखो बच्चों, छोटे वाले ट्रायंगल में इस वाले का ये एंड बी से कनेक्ट है और ये एंड ए से कनेक्ट है, मतलब इसके दोनों एंड्स और इसके दोनों एंड्स कॉमन हैं, देख रहे हैं आप भाई, इसका ए और बी से कनेक्ट है और ये भी ए और बी से कनेक्ट है, इसका मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इट मीन्स वो पैरेलल में है, तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, ठीक है बच्चों। अब सिमिलरली ये देखिए जरा, ये वाला और ये वाला, ये पॉइंट बी से कनेक्ट है और इसका ये पॉइंट सी से कनेक्ट है। सिमिलरली ये जो आपका बी और सी से कनेक्ट है, इसका मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। सिमिलरली ये दोनों भी आपके किस में हो गए, पैरेलल में, आप देख लीजिएगा। तो अब इसको रिडक्शन मतलब रिड्यूस करते हैं सर्किट को, तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो देखो एक रेजिस्टेंस तो बच्चों हो गया आपका ये, ठीक है R, और एक ये वाला रेजिस्टेंस हो गया बच्चों आपका R, ठीक है। ऐसे ही एक रेजिस्टेंस हो गया आपका ये R और एक रेजिस्टेंस हो गया ये आपका R, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका R और ये रेजिस्टेंस हो गया आपका R, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, R ये R, ये R, R R, और ये पॉइंट आपका P और ये पॉइंट आपका Q, ठीक है। अब ये दोनों R किस में हो गए, पैरेलल में, तो 1/R, 1/R मतलब R/2, तो इनकी जगह R/2, इन दोनों की जगह R/2, तो और आगे रिड्यूस करोगे इसको तो ऐसे कर सकते हैं, ये आपका R/2 और ये आपका R/2 और ये आपका R/2, ठीक है, ये दोनों मिलके, और ये पॉइंट हो गया आपका P, ये पॉइंट हो गया आपका Q। अब देखिए जरा, यहाँ से जो करंट जाएगी तो इसमें जो करंट जाएगी भाई, यहाँ पर करंट यहाँ से जाएगी ना P से, तो कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। अब जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जाएगी, मतलब R/2 और ये R/2 दोनों सीरीज में, R/2 क्या हो गया बच्चों R, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका R, इन दोनों का R, ठीक है, और ये हो गया साहब आपका R/2, ठीक है, और ये हो गई आपकी P और Q से बैटरी कनेक्ट होगी इस तरह से, ठीक है। तो अब ये R/2 और ये R दोनों किस में हो गए बच्चों, पैरेलल में, तो पैरेलल का मतलब ये हो जाएगा आपका दोनों का प्रोडक्ट R/R/2 और × 3R/2, तो ये हो जाएगा आपका R से R ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका R/3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों ये लास्ट एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल 5, ठीक है। तो क्वेश्चन है उसका कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, और दूसरा है कि फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, R1, R2, R3, R4 सारे रजिस्टर में करंट बतानी है। तो हमने माना कि यहाँ से I1 करंट है
और फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर करंट कन्फ्यूज होगी, तो इस I1 चली गई इधर, ठीक है, सॉरी I2 चली गई इधर R2 में, I3 चली गई आपकी R3 में, और I4 चली गई आपकी R4 में। तो I1, I2, I3, I4 इनकी हमको वैल्यूज बतानी है। तो देखिए बच्चों, देखिए R2 का ये पॉइंट, ये वाला एंड, R4 का ये एंड, R3 का ये एंड, तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट हैं इससे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है B1 और ये तीनों एंड कनेक्ट हैं यहाँ एक ही पॉइंट से B2, तो कहने का मतलब R2, R3, R4 तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये तीनों आपके पैरेलल में हैं। तो R3, R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, ठीक है, ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो अब साहब इसका मतलब, और आप वैसे भी देख सकते हो कि टोटल करंट है हमारी I1, तो ये I1 करंट ही तो डिवाइड हुई है I2, I3, I4 में, और पैरेलल में इंडिविजुअल करंट का सम टोटल करंट के इक्वल होना चाहिए। तो इन तीनों करंट का अगर हम सम करेंगे तो I1 के इक्वल आएगा, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल में फॉर्मूला लगा देंगे तो 1/RP इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/15, 30 LCM ले लिया तो 2 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 5/30, इट मीन्स RP हो जाएगा आपका 6, ठीक है। कहने का मतलब इन तीनों की जगह पर हम एक रख सकते हैं 6, तो रिड्यूस कर दो सर्किट को, तो ये हो जाएगा हमारा R1 इक्वल टू 4 ओम, और उन तीनों की जगह पर हमने रख दिया ये आपका 6 ओम, ठीक है जी। और ये हमारी बैटरी है ही, ठीक, तो बैटरी का EMF है हमारा 10 वोल्ट। अब साहब, अब जरा देखिए, ये और ये समझ गए होंगे सिंपल, ये वाला किस में है, सीरीज में। तो ये करंट थी हमारी I1, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इसमें I1 है ना, तो इन दोनों की जगह एक रख देंगे तो 6 + 4 मतलब 10 ओम, और ये आपका सेल हो गया 10 वोल्ट का। तो इसमें करंट जो I1 है वो कितनी होगी बच्चों, I1 इजिकल टू V/R मतलब 10/10 बोले तो 1 एम्पियर। तो ये जो टोटल करंट है बच्चों, ये है आपकी 1 एम्पियर, ठीक है। अब साहब हमको इनके I2, I3, I4 करंट निकालनी है। तो अभी अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो बच्चों देखिएगा I2 रेशियो I3 रेशियो I4 क्या होना चाहिए, 1/R + 1/R1 R2 R3, तो 1/R2 मतलब 1/15 रेशियो 1/15 रेशियो 1/30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 रेशियो 2 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और रेशियो 1, ये आ गया। अब मेरे को I2 निकालनी है बच्चों, देखो कितना सिंपल है, I2 निकालनी है मेरे को, तो I2 का मतलब I2 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है, 2, तो 2/ रेशियो का टोटल 2 + 2 + ठीक है 2 + 2 + 1 मतलब 5, और इनटू टोटल करंट, टोटल करंट कितनी आई है बच्चों 1, तो 2/5 एम्पियर, ठीक है साहब। अब मेरे को निकालनी है बच्चों I3, तो I3 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 2, ठीक है, तो 2/ रेशियो का टोटल 2 + 2 + 1 मतलब 5, और करंट है हमारी टोटल 1, तो 2/5 एम्पियर। अब बच्चों आ जाओ I4, तो I4 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 1, ठीक है, तो 1/ रेशियो का टोटल मतलब 5, और करंट आपकी 1, तो 1/5 एम्पियर, ये आ गई साहब हमारी करंट, क्लियर। आओ, हमारी सही है या गलत है, तो टोटल करंट हमारी 1 एम्पियर है, और इन I2, I3, I4 का सम 1 एम्पियर होना चाहिए, देख लीजिए आप। तो 2/5 + 2/5 + 1/5 कर लो, 2 2 4 5, तो 5/5 = 1 एम्पियर, आंसर इज करेक्ट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।